वेलकम टू अंजनाथ अंकिस किचन। कुछ दिन पहले घर में ढेर सारी चिल्ली आई थी, तो ये जो अभी देखिए सूख रही है, तो इसकी मैंने डंडी निकाल ली है और इस तरह से अलग कर दिया है धो के। तो इसमें से हम कुछ चिल्ली की पेस्ट बनाएंगे और कुछ चिल्ली फ्लेक्स बनाएंगे हरी वाली चिल्ली का। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऐसे वाले, कोई भी आपके पास होल वाला प्लास्टिक आता है डब्बा, आजकल ग्रेप में भी आता है, मेरे पास ऐसा है, तो इसमें हम डाल के इसे फ्रिज में रख देंगे। ऐसे ही इसको टच नहीं करना है, दो तीन दिन में वो ऐसा सूख जाएगा कि आप इसको पीस के इसका फ्लेक्स बना सकते हैं। तो इसको ऐसे रख देते हैं और बाकी सारी चिल्ली को हम इस मिक्सर जार में डाल देंगे। एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए एकदम मस्त फाइन पेस्ट बन गई है। अब हम इसे इस तरह के कोई डब्बे में निकाल लेंगे, या फिर आपके पास आइस ट्रे है, आइस जमाने वाली ट्रे, तो उसमें भी निकाल सकते हैं और इसे फ्रीज कर सकते हैं और इसका क्यूब बन जाएगा, जैसे ये आइस का बना हुआ है। जब जरूरत पड़े तब एक क्यूब निकालो और सब्जी में डालो। इस तरह से इस डब्बे में निकाल लिया है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 15 दिन तक फ्रिज में, और उसके बाद फ्रीजर में रखेंगे। लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। अब जो मैंने बोला था कि चिल्ली को आप इसमें रखेंगे तो एकदम सूख जाएगी, तो मैंने इसको पहले से रखा हुआ था। ये देखिए किस तरह से एकदम क्रिस्पी करारी हो गई है। तो इसको या तो आप कूट ले या फिर मिक्सी जार में डाल के ना इसका फ्लेक्स बना ले। तो इस मिक्सर जार में ले लिया है और अभी हमें इसे फोर्सली ग्राइंड करना है। तो रेडी है ग्रीन चिली फ्लेक्स, जो कि सूखी मिर्ची से बनाया गया है। जब आपके पास ग्रीन चिली ना हो, फ्रेश चिली ना हो, तब आप इस तरह से इस चिली फ्लेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और जो चिली पेस्ट बनाई है वो भी आपके पास रहेगी तो कभी ना कभी काम आ जाएगी। आज हमने बताया है कि एक्स्ट्रा चिली है तो इसे आप स्टोर कैसे करें। अगर आपके पास भी ऐसे एक्स्ट्रा चिली पड़ी है और सूख रही है, तो इस तरह से सुखा दीजिए, धूप में रखने का भी जरूरत नहीं है, मस्त ग्रीन ग्रीन रहेगा, और ऐसे पेस्ट भी बना लीजिए, जरूर से काम आएगी। तो ऐसी टिप्स जानने के लिए और इजी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.